हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश एनिमेशंस। आज हम ये एनिमेशन से इंस्पायर होकर कुछ डिफरेंट सा एनिमेशन को रिक्रिएट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, फर्स्ट प्रीव्यू को देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, लेट्स क्रिएट द एनिमेशन। फर्स्ट हम 3D सीन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये प्रोजेक्ट के एसेट्स को पहले से ही इम्पोर्ट कर दिया फ्रेंड्स। ये प्रोजेक्ट के एसेट्स को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये बिल्डिंग की जी एक्सेस पोजीशन को 3000 पे सेट कर दीजिए। अब ये लेयर को एक्टिव करिए और ये लेयर की जी एक्सेस पोजीशन को 2500 पर सेट कर दीजिए। अब ये लेयर की एक्स एंड वे एक्सेस की पोजीशंस को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये लेयर पर रस्टर एक्सट्रूड इफेक्ट को अप्लाई कर दीजिए। यहां पर रोटेशन की वे वैल्यू को 35 डिग्रीज पर सेट कर दीजिए। अब लाइट सोर्स को ओपन करिए और लाइट की शेडिंग को फ्लैट करिए। ये लेयर की पोजीशन को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब डुप्लीकेट लेयर को हॉरिजॉन्टली फ्लिप करिए। अब ये लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। नाउ स्काई इमेज के विजिबिलिटी को एक्टिव करिए। अब ये इमेज की जी एक्सेस पोजीशन को 3100 पर सेट कर दीजिए। अब ये इमेज साइज को इंक्रीज करिए। ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये लेयर को एक्टिव करिए। अब ये लेयर की जी एक्सेस पोजीशन को 1000 पे सेट कर दीजिए। अब और एक वॉल इमेज को ऐड करके ये वॉल इमेज की जी एक्सेस पोजीशन को भी 1000 पे सेट कर दीजिए। अब ये वॉल की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। नाउ इसे डुप्लीकेट करके राइट साइड प्लेस करिए। अब एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। नाउ ये रेक्टेंगल शेप की हाइट एंड विड्थ को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। ये शेप के लिए डार्कर कलर को सिलेक्ट करिए। अब ये शेप की जी एक्सेस पोजीशन को 900 पे सेट कर दीजिए। नाउ ये लेयर की पोजीशन एंड साइज को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब और एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। ये शेप की कलर के लिए मैं ब्राउन कलर को सिलेक्ट कर लिया। अब ये लाइन की जी एक्सेस पोजीशन को भी 900 पे सेट कर दीजिए। अब ये लाइन की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये लाइन लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब ये लाइन की हाइट एंड विड्थ को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये लाइन की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब इसी तरह ये दो लाइंस को राइट साइड में भी क्रिएट करिए। अब एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। नाउ ये रेक्टेंगल शेप की हाइट एंड विड्थ को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये शेप के लिए डार्क ग्रीन कलर को सिलेक्ट करिए। अब ये लेयर की जी एक्सेस पोजीशन को 1001 पर सेट कर दीजिए। अब ये लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये लेयर को डुप्लीकेट करके राइट साइड प्लेस करिए। अब वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करके मेरे तरह एक शेप को ड्रॉ कर दीजिए। अब ये शेप के लिए ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट करिए और ग्रेडियंट कलर्स को मेरे कलर्स को कॉपी कर लीजिए और ग्रेडियंट पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये शेप की जी एक्सिस पोजीशन को 2230 पर सेट कर दीजिए। अब ये शेप की पोजीशन एंड साइज को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब हम एक कैमरा को ऐड करेंगे। कैमरा को एक्टिव कर लीजिए। अब मैं कैमरा की जी एक्सेस पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट करके वो शेप की पॉइंट्स को मैं एडजस्ट करूंगा। अब मैं और एक वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करके और एक शेप को ड्रॉ करूंगा यहाँ। अब कैमरा को हाइड करिए। अब ये शेप को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। ये शेप की जी एक्सिस पोजीशन को 2235 पर सेट कर दीजिए।
ये शेप कीजिए एक्सेस पोजीशन को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ये इमेज की पोजीशंस को भी और थोड़ा एडजस्ट करेंगे फ्रेंड्स। अब हम ट्रीज एंड प्लांट्स को ऐड करेंगे। ये लेयर कीजिए एक्सिस पोजीशन को 950 पे सेट कर दीजिए। अब ये लेयर की पोजीशन एंड साइज को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। नाउ ये लेयर की पिवट पॉइंट को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। इसी तरह आप सभी ट्रीज एंड प्लांट्स को ऐड करिए। अब ये सारे लेयर्स की ड्यूरेशंस को 9 सेकंड तक एक्सटेंड करिए। अब ये ट्री लेयर को सेलेक्ट करके बेंड इफेक्ट को अप्लाई कर दीजिए। यहां पर एंगल वैल्यू को 5 डिग्रीज कर दीजिए। अब पहले फ्रेम पर एंगल की फ्रेम को ऐड करिए। अब लास्ट फ्रेम पर एंगल वैल्यू को -5 डिग्रीज पर सेट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम की कर्व्स को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये इफेक्ट को कॉपी करके बाकी के पेड़ और पौधे लेयर पर पेस्ट कर दीजिए। अब हम व्हीकल्स को एनिमेट करेंगे। फर्स्ट हम ऑटो को ऐड करेंगे। अब ये ऑटो की जी एक्सेस पोजीशन को 900 पर सेट कर दीजिए। अब ये ऑटो की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये लेयर की पहले फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। फर्स्ट ये लेयर की ड्यूरेशन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। अब ये फ्रेम पर और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए और ये ऑटो की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। फर्स्ट की फ्रेम पर ये ऑटो की पोजीशन को कैनवस से बाहर लेकर जाएंगे। अब ये लेयर पर लॉन्ग शैडो इफेक्ट को अप्लाई करिए। यहां फेड की वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए, साइज को थोड़ा कम कर लीजिए। एंगल की वैल्यू को 0 करिए और फर्स्ट फ्रेम पर एक एंगल की फ्रेम को ऐड करिए। अब लास्ट फ्रेम पर एंगल की वैल्यू को 90 डिग्रीज कर दीजिए। अब मोशन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। यहां पर ट्यून वैल्यू को 0.5% कर दीजिए। इसी प्रकार आप सभी व्हीकल्स को एनिमेट कर लीजिए। अब हम क्लाउड्स को ऐड करेंगे। ये क्लाउड लेयर की जी एक्सेस पोजीशन को 3001 पर सेट कर दीजिए। अब ये लेयर की पोजीशन एंड साइज को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये लेयर को डुप्लीकेट कर लीजिए। अब ये लेयर की पोजीशन एंड साइज को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये लेयर को डुप्लीकेट कर लीजिए। अब ये लेयर की पोजीशन एंड साइज को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। As you can see friends, यहां पर मैंने गेट ओपनिंग एनिमेशन को पहले से ही क्रिएट कर लिया। ये गेट ओपनिंग एनिमेशन को मैं फ्लिप लेयर इफेक्ट की मदद से क्रिएट किया। अब ये लेयर को कॉपी करके मेन प्रोजेक्ट पे पेस्ट करेंगे। अब कैमरा को ऐड कर लीजिए फ्रेंड्स। कैमरा को एक्टिव कर दीजिए। अब कैमरा की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम पर कैमरा की जी एक्सेस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब 2 सेकंड्स फॉरवर्ड जाइए। अब ये फ्रेम पर कैमरा की जी एक्सेस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोवर करिए। अब हम हमारी फ्लैग को ऐड करेंगे।
हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो है फ्लैग की एनिमेशन के बारे में, प्लीज एक बार देख लीजिए। अब ये फ्रेम पर ये तीन इमेजेस को ऐड करिए। अब ये तीन इमेजेस को बिल्डिंग के पीछे लेकर जाना है। ये तीन इमेजेस की जी एक्सेस पोजीशन को 3001 पर सेट कर दीजिए। अब ये इमेज को मेरी तरह एडजस्ट कर दीजिए। ये इमेज को यहां पे प्लेस करिए। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब 10 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए और इमेज की पोजीशन को मेरे तरह चेंज कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अगेन 10 फ्रेम फॉरवर्ड जाइए और इमेज की पोजीशन को मेरे तरह चेंज कर दीजिए। और एक बार 10 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए और इमेज की पोजीशन को मेरे तरह चेंज कर दीजिए। अगेन 10 फ्रेम फॉरवर्ड जाइए और इमेज की पोजीशन को मेरे तरह चेंज कर दीजिए। इसी तरह आप बाकी इमेज लेयर्स को एनिमेट कर लीजिए। क्लाउड्स की लेयर्स पर ऑटो शेक इफेक्ट्स को अप्लाई करिए और ऑटो शेक की मैग्नीट्यूड वैल्यू को 10 पर सेट कर दीजिए। अब मेन बिल्डिंग लेयर पर कलराइज इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब इसे मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब फर्स्ट फ्रेम पर एक की फ्रेम को ऐड करिए। अब लास्ट फ्रेम पर ये कलर को मेरे तरह चेंज कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये इफेक्ट को कॉपी करके रिमेनिंग दो बिल्डिंग लेयर्स पर पेस्ट करिए। ये कलराइज इफेक्ट की फ्रेम्स पर कलर्स को चेंज कर दीजिए। That's it, friends. Thank you so much for watching.